हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस बी पार्ट वन। टुडे आवर टॉपिक इज ऑन रनिंग आफ्टर वन्स हैट। ओके, जीके चेस्टन की ये ऐसे है, जीके चेस्टन का ऐसे है ऑन रनिंग आफ्टर वन्स हैट। ओके, so without wasting much time we should start this video on this topic। okay, G.K. Chesterton's thought-provoking essay on running after one's head inspires to be positive in all situations। The suggestion is quite serious and important, but to present it empathetically, Chesterton gives example from common human life। Okay, G.K. Chesterton's thought of provoking essay। G.K. Chesterton के जो विचार हैं ऐसे को प्रोवोक करने के लिए on running after one's head, inspired to be positive in all situation। इन्होंने ये बोला है कि हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए, हर सिचुएशन में हमें सकारात्मक विचार रखने चाहिए। वी शुड नॉट बी नेगेटिव, हमें नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। द सजेशन इज क्वाइट सीरियस, ये सुझाव बिल्कुल गंभीर है, शांत है एंड इम्पॉर्टेंट, बट टू प्रेजेंट इन एम्पैथेटिकली, चेस्टन गिव्स एग्जाम्पल फ्रॉम कॉमन ह्यूमन लाइफ। चेस्टन एग्जाम्पल देते हैं कॉमन ह्यूमन लाइफ से। ये बताते हैं निबंधकार जी के चेस्टन ने अपने निबंध ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैड में, जो लंदन की सड़कों पर आई बाढ़ है, मतलब लंदन की सड़कों पर जो बाढ़ आई थी उसका एक चित्र प्रस्तुत किया है। कुछ आशावादी जो व्यक्ति होते हैं इसे देखिए एंटरटेनमेंट का अवसर मानते हैं, जबकि अन्य जो है इस स्थिति पर बड़ा ही दुख व्यक्त करते हैं, मतलब असंतोष व्यक्त करते हैं। जबकि चेस्टन के अनुसार जो अधिकांश हमारी जो असुविधा होती है, भावनात्मक या फिर मानसिक उत्पत्तियां हैं, वह इस तथ्य को कतिपय उदाहरणों की सहायता से समझाने का प्रयास करता है, जैसे कि ट्रेन का इंतजार करना, दूध से मक्खी निकालने का प्रयास करना, अपना हैट पकड़ के दौड़ना आदि। वह सुझाव देता है कि इन परिस्थितियों में, इस प्रकार की अन्य परिस्थितियों में एक व्यक्ति को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। कैसी सोच रखनी चाहिए? सकारात्मक। ओके, तथा आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। ये सारी परिस्थितियाँ कोई हानि उत्पन्न नहीं करती हैं, वे केवल कुछ असुविधा उत्पन्न करती हैं जिनसे धैर्यपूर्वक निपटा जा सकता है। ओके, ही सजेस्ट दैट इन दीज सिचुएशन और इन सच टाइप ऑफ अदर सिचुएशन ए पर्सन शुड थिंक पॉजिटिविटी and should have an optimistic attitudes। All these situations create no harm। इस तरह की कोई भी जो situations होती हैं उनमें कोई भी नुकसान नहीं है। Okay? All these situations create no harm। They only create some inconvenience which can be handled by having some patience। It's mean that कि ये सारी परिस्थितियाँ कोई हानि तो उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन ये केवल कुछ असुविधा उत्पन्न करती हैं। ओके, जिनसे हमें धैर्यपूर्वक निपटना चाहिए। ही प्रेजेंट्स द एटीट्यूड्स ऑफ वेरियस पीपल इन दिस रिगार्ड। सम पीपल कंसीडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एंजॉयमेंट, व्हाइल सम एक्सप्रेस डीप रिसेंटमेंट। According to the essayist, some injurious incident or any kind of disease may be regarded as the true reason of feeling depressed, but these are rare happening। Most of the inconvenience are the product of mind। In other words, most of the inconvenience are imaginative।
For example, waiting for train at railway station is troublesome for elder people, but the children enjoy it. इट्स मीन दैट इस संबंध में देखिए विभिन्न लोगों के व्यवहार को भी प्रस्तुत किया गया है. इन्होंने प्रेजेंट कर दिया एटीट्यूड्स ऑफ द वेरियस पीपल, जो बहुत सारे लोग हैं उनके व्यवहार को भी बताया, उनके एटीट्यूड्स को बताया है. सम पीपल कंसीडर इट इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एन्जॉयमेंट. देखिए कुछ लोग तो इसे आनंद का अवसर मानते हैं, जबकि कुछ गहरा असंतोष व्यक्त करते हैं. सम एक्सप्रेस डीप रिसेंटमेंट. ओके, अकॉर्डिंग टू द एसेस्ड सम इंजीरियस इंसिडेंट आर एनी काइंड ऑफ डिसीज मे बी रिगार्डेड एज अ ट्रू रीजन ऑफ फीलिंग डिप्रेस्ड, बट दीज आर रेयर हैपनिंग. इट्स मीन दैट निबंधकार के अनुसार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ इंसिडेंट होती हैं कि रोगों को, घटनाओं एवं रोगों को निराशा का कारण मान सकते हैं, माना जा सकता है. किंतु कभी कभी होने वाली घटनाएं हैं, अधिकांश असुविधाएं मस्तिष्क की उपज होती हैं. उदाहरण के लिए जैसे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार बड़ों के लिए परेशानी का कारण बनती है, लेकिन बच्चों के लिए वही आनंद का विषय है. क्यों? क्योंकि बच्चों को खेलने का मौका मिलता है वहाँ पर, ठीक है, उन्हें पूरी फ्रीडम मिलती है वहाँ पर. नेक्स्ट है, चेस्टन सजेस्ट दैट ए पर्सन शुड अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स टू डेली दिस प्रिंसिपल टू डेली लाइफ आल्सो. फॉर एग्जांपल, ट्राइंग टू गेट ए फ्लाई आउट ऑफ द मिल्क और ए पीस ऑफ द कॉर्क आउट ऑफ वाइन. चेस्टन सुझाव देते हैं कि एक व्यक्ति को दिन प्रतिदिन के जीवन में इस सिद्धांत का अनुकरण करना चाहिए. उदाहरण के लिए जैसे दूध से मक्खी निकालने का प्रयास, या फिर ड्रिंक की बोतल में से कॉर्क निकालने का प्रयास. ये घटनाएं क्या होती हैं? दिस इंसिडेंट क्रिएट इरिटेशन बट ए पर्सन शुड हैव पेशेंस. मतलब व्यक्ति को इन सब घटनाओं से क्या होता है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है. बट हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए, बल्कि वी शुड हैव द पेशेंस, हमें धैर्य रखना चाहिए. ओके, ही पुट्स वन मोर एग्जांपल ऑफ हिज फ्रेंड हूज ड्रॉअर वाज जंक एवरी डे एंड इरिटेट हिम डेली. वह एक और एग्जांपल देते हैं कि अपने दोस्त का एक एग्जांपल देते हैं, कहते हैं कि जिस मेज की दराज रोज अलग हो जाती थी, मतलब जड़बत हो जाती थी, और उसे खोलते समय वो रोज चिड़चिड़ाता था. लेखक की सारी धारणाएं बना लेने का कारण होता है. लेखक कहता है, राइटर ने ये कहा है कि भाई ये सब धारणा बना लेने के कारण होता है. यदि कोई सोचे, कोई व्यक्ति ये सोचे कि अपनी शक्ति का प्रयोग दराज खोलने में नहीं बल्कि किसी शक्तिशाली शत्रु को पराजित करने के लिए कर रहा है, तो उसे जरा सी भी परेशानी नहीं होगी. ओके, द राइटर सजेस्ट दैट इट इज ड्यू टू एज्यूम पेशेंस इफ समवन थिंक्स दैट ही इज यूजिंग द फोर्स अगेंस्ट एन एनिमी इट विल बी ट्रबल हिम लीस्ट. दराज खोलते समय उस व्यक्ति को ऐसा फील होना चाहिए कि वो अपने शत्रु को पराजित कर रहा है, तो उसको बिल्कुल भी दराज खोलते समय कोई इरिटेशन नहीं होगी, बल्कि उसे और अच्छा लगेगा. देयरफॉर द राइटर कंक्लूड्स दैट द फ्लड इन लंदन मे बी एंजॉयड बिकॉज द कॉजेस नथिंग एल्स बट द इनकन्वीनियंस. एट लास्ट मेंशंस आर सेइंग ऑफ रोमन कैथोलिक प्रीस्ट दैट वाइन इज गुड विद एवरीथिंग एक्सेप्ट वाटर एक्सेप्ट वाटर. इस प्रकार लेखक ने कहा है कि लंदन में इन बाड़ों का भी आनंद उठाया जा सकता था, क्योंकि उनसे कोई हानि तो नहीं है, केवल असुविधा उत्पन्न होती है. एटलीस्ट एट लास्ट ही मेंशंस द सेइंग ऑफ द रोमन कैथोलिक प्रीस्ट दैट. अंत में चेस्टन रोमन कैथोलिक पुजारी के कथन को प्रस्तुत करते हैं कि मग पानी के अतिरिक्त अन्य सभी के साथ अच्छी है. इस आधार पर लेखक कहता है कि पानी मग के अतिरिक्त अन्य सभी के साथ अच्छा है. लेखक का कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति को बाढ़ के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण ही रखना चाहिए. इन द सेम वे द राइटर सेज दैट वाटर इज गुड विद एवरीथिंग एक्सेप्ट वाइन. एंड द राइटर मीन्स टू से दैट ए पर्सन शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड्स रिगार्डिंग फ्लड. ओके, सो देयर आर द सम पॉइंट्स ऑफ दिस एसे ऑन रनिंग आफ्टर वन सेट. नंबर वन, इंट्रोडक्शन. जी के जस्टिन्स थॉट प्रोवोकिंग एसे ऑन रनिंग्स आफ्टर वंस हैड इंस्पायर्ड टू बी पॉजिटिव इन ऑल सिचुएशंस. एंड द सेकंड पॉइंट इज हाई
The suggestion is quite serious and important, but to present it empathetically. Justin gives example from the common human life. Next point है आपका enjoyment of flirt. Enjoyment of flirt. Justin asks his readers to consider everything in a positive way. It is the secret to remain happy in human life. Next point है आपका high imagination. Justin shows his high imagination when he thinks that flirt makes life more romantic and enjoyable. Okay. Next point है the course of negative thinking. According to Justin, most of the problems are created by our negative thinking. For example, grown up people feel difficulty and complain if their train is late and they have to wait for it. It is not so with the children who enjoy everything present at a railway station. It looks like a cave of wonder to him. Okay. And the next point is he has a positive outlook towards all things and enjoy himself in all things that come before him at any place. ये the curse of negative thinking का ही चल रहा है, उसी की लाइन है ये. It is false belief that running after one's head gives discomfort and it is sportive to run after a bell. It is result of our thinking that we take pride in running after an ugly ball but feel ashamed in running after a silk head. Certainly most of the discomforts are caused by our negative thinking, so to run after anything is tiring, but we don't feel tired while running after a little leather ball. It is not shameful to run after a hat. It is not laughable. Okay. Conclusion. According to the essayist, we should be positive in all situations. Okay. निबंधकार के अनुसार हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण ही रखना चाहिए. Okay, certainly most of the problems are created by our negative thinking. Okay, so we should be positive in all situations. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.